फिल्म की स्टोरी एक्टर की बाकी फिल्मों से कैसे अलग होगी। इस फिल्म के टाइटल से हमें क्या पता चलता है। क्या ये फिल्म बाकी सारी एक्शन फिल्म की तरह अपना जादू चला पाएगी। जब जब बात होती है किसी फिल्म की तो सबसे पहली चीज जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है वो होता है उस फिल्म का टाइटल। जी हाँ, किसी भी फिल्म को एक रिकॉग्निशन जैसे उसके एक्टर्स और प्लॉट से मिलती है उतना ही डीप इम्प्रेशन उस फिल्म का टाइटल भी देता है। वैसे तो हम जानते हैं एक्टर विद्युत जामवाल की ये फिल्म लोगों के बीच अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है। जहां इस फिल्म के ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज के समय इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का नाम रिलीज किया था, तब से ही लोग इसके बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं सनक मतलब होता है क्रेज यानी पागलपन। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये ऐसा टाइटल क्यों रखा है, तो फिल्म का टाइटल जैसे ही हमें सुनने को मिलता है तो हम सोच सकते हैं एक्टर के क्रेज के बारे में। जी हाँ, वैसे तो हमें पता है कि एक्टर की बाकी फिल्में जैसे कमांडो, जहां एक्टर खुद एक कमांडो के रोल में नजर आए थे, वो कैसे सभी को एक वन मैन आर्मी के रोल में नजर आते हैं, वैसे ही इस फिल्म के कमांडो इस नाम से हमें एक फिल्म की झलक देखने को मिलती है। वही फिल्म सनक नाम से हमें फिल्म के बारे में पता चलता है। अगर इस फिल्म की बात करें तो वैसे तो ये फिल्म एक अकेलेपन से जूझते हुए इंसान की कहानी है, जहां उसका पागलपन अपनी फैमिली और अपने प्यार के लिए देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जैसे कि फिल्म का टाइटल है सनक, हमें इस फिल्म में एक क्रेज दिखेगा फॉर द इंडिविजुअल कंसर्न ऑफ द सोसाइटी। क्रेज मिलेगा इस सोसाइटी के सारे दिमागों को बाहर फेंकने की और सभी को इंसाफ पहुंचाने की। बेशक हम जानते हैं कि कैसे एक्टर विद्युत ने सभी तक अपना ये क्रेज पहुंचाया है। उनकी स्टिफ बॉडी और फाइन मार्शल आर्ट्स के सभी दीवाने हैं। इसी को देखते हुए ऑडियंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर मेकर्स की माने तो उनकी ये जादू और क्रेजीनेस ही इस फिल्म को कम्प्लीट करने वाला है। लेकिन सभी जानना चाहते हैं कि क्या उनकी बाकी फिल्म की तरह सभी इस फिल्म के लिए दीवाने हो जाएंगे, या ये फिल्म बस एक आम एक्शन फिल्म की तरह ही एक स्टोरी रिप्रेजेंट करेगी। क्या इस फिल्म में हमें एक्टर को एक नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा। हमें पता है आपके मन में इस फिल्म से और इससे जुड़े कई सवाल है, तो कहीं और न जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आप तक यूं ही सारी चटपटी खबरें पहुंचा पाए।